ज्यादा लालच अक्सर लोगों को मुसीबत में डाल देता है। ऐसा एक मामला अम्बाला से भी सामने आया, जहां पर एक महिला के खाते में लोन की कीमत डाल दी गई और पूरी कीमत चुकाने के बावजूद कंपनी ने और पैसे जमा कराने की डिमांड की जा रही है। ऐसा न करने पर महिला की अश्लील तस्वीरें वायरल करने की धमकी भी दी गई। मीडिया से बातचीत करते हुए महिला ने बताया कि कुछ समय पहले एक ऑनलाइन ऐप के माध्यम से उन्होंने लोन लिया था, जिसको पैसे भरकर क्लोज करवाने के बाद बिना उनकी मांगे एक दूसरा 6000 रुपए का लोन उनके खाते में डाल दिया गया। दूसरे लोन के पूरे पैसे चुकाने के बावजूद उनसे और पैसों की डिमांड की गई। कंपनी द्वारा पैसे न देने पर अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी दी जा रही है। इस मामले में बलदेव नगर थाना SHO गौरव पुनिया का कहना है कि कल एक महिला हमारे पास शिकायत लेकर पहुंची है, जिसने बताया कि बिना उसके मांगे एक ऑनलाइन ऐप के थ्रू उसके खाते में 6000 रुपए का लोन डाल दिया गया। उसकी कीमत चुकाने के बाद भी उससे और अधिक पैसों की मांग की जा रही है और वह न देने पर महिला की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें एडिट करके वायरल करने की धमकी दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वो मैंने ना लोन लिया था मैम, ऑनलाइन लोन लिया था इंडिगो कैश कंपनी से। पहले मैम मैंने लोन लिया था 4000 का 1 नवंबर को, वो मैंने लोन मैम क्लोज कर दिया था 6 नवंबर को। तो इन्होंने 6 नवंबर को हमसे बिना पूछे ही ना 6000 का लोन हमारे अकाउंट में डाल दिया, यानी कि 3600 रुपये डाल दिए। तो हमने 12 नवंबर को ब्याज सहित इनके 6000 रुपये रीपेमेंट करवा दिए। तो इन्होंने फिर 13 नवंबर को मैम हमारे पास कॉल की, व्हाट्सएप कॉल की, जिसमें ये हमें कहने लगे कि आपको दोबारा से रीपेमेंट करवाने पड़ेंगे 6000 रुपये, जिसकी मैंने स्क्रीनशॉट उनके पास भेज दी। उनके सर मैंने आपकी रीपेमेंट करवा दी है, तो वो कह रहे ऐसे नहीं चलेगा, आपने पहले रीपेमेंट जो करवाई थी ना दोबारा करवाने पड़ेगी, आपके पैसे आए नहीं हैं, वो पैसे आपके अकाउंट में दोबारा चले गए हैं, कह रहे पेंडिंग में चले गए। तो मैंने उन्हें बोला सर मैंने आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिए, मेरे अकाउंट से कट चुकी है। तो वो हमारे साथ गाली गलौज करने लगे मैम, वॉइस मैसेज मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है उनकी और वॉइस मैसेज भी है मैम मेरे पास। तो फिर 14 नवंबर को मैम उन्होंने मेरी गंदी पिक्चर डाली, जिसमें मैम उन्होंने मेरे फेस एडिट करके ना, तो वो मुझे ब्लैकमेल करने लगे, कह रहे अगर आपने ये लोन क्लोज नहीं किया ना तो हम आपकी सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे भी वीडियो, भी आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे और जान से मारने की धमकी। हाँ ये बिल्कुल, कल एक हमारे पास कंप्लेंट आई थी जिसमें महिला ने बताया कि उसके साथ उसने ऑनलाइन कोई लोन अप्लाई किया था, वो लोन उसको मिल गया लेकिन उसने वो लोन वापस भी उसकी पेमेंट कर दी थी, लेकिन फिर दोबारा उनका फॉर्म मैसेज आया कि आप इसकी आपकी इतनी पेमेंट और बनती है। तो वो उनसे और पैसे मांग रहे थे, जब उसने उस पैसे के लिए उनसे बात की तो मना किया भाई मैं अपनी पेमेंट भर चुकी हूँ। तो फिर उनकी तरफ से उनको बार बार बोला गया और उनको कि आप और पेमेंट कराओ, और उनकी उन्होंने कोई फ़ोटो एडिट करके भी आपत्तिजनक फ़ोटो भी उनको उन्होंने उसकी व्हाट्सअप कर दी थी। तो इस बेस पे ही हमने कल कंप्लेंट पे FIR रजिस्टर कर दी थी और कार्रवाई कर रहे हैं। कौन सा ऐप है, कितना लोन लिया था उन्होंने? लोन कोई 6000 का लोन बता रहे हैं जी। तो कितना इन्होंने भर दिया था? ये इनके अनुसार इन्होंने ये कह रहे हमने पूरा लोन भर दिया था। आगे हम तफ्तीश में देखते हैं, स्टेटमेंट लेंगे और कॉल डिटेल्स लेंगे। क्या सामने आया अभी तक? तो ये मामला लग रहा है कि इस तरह का कोई ऑनलाइन कोई ऐसा कोई साइबर फ्रॉड से संबंधित कोई गैंग एक्टिव है और वो इस तरह का काम कर रहा है, बाकी इन्वेस्टिगेशन में करियर हो जाए। इंडिया का या बाहर? बाहर से भी लिंक हो सकता है, वो मैटर इन्वेस्टिगेशन का मैटर है।